हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग किसने क्लास 12 एक्सरसाइज 19.12 का क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 43 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो ये देखिए 44 से जो है वो 49 तक जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा ये इतना दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो आपको हम उस मेथड से बताए हैं, उस मेथड से भी जो है वो इनको आप बना सकते हैं। इनसे भी आसान मेथड हम आपको बताते हैं। देखिए सॉल्यूशन आई इक्वल टू, ये देखिए ये 3x², इनको क्या आप लिख सकते हैं 1 + ये x^6 को ये जो है वो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये x³ का जो है वो होल स्क्वायर dx, ये इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं तो पुट कर देते हैं, पुट ये x³ = जो है वह t पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x³ का 3x² और ये इनका dt/dx, तो देयर फोर ये 3x² dx = हमारा dt हो जाएगा। तो ये हमारा i = ये देखिए ये 3x² dx का स्थान पर हम dt दे देंगे बाय ये 1 + x³ स्थान पर ये t² dt दे देंगे। इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t + c, तो i = tan इनवर्स t का स्थान पर वैल्यू रख देंगे तो x³ + c। ये देखिए ये जो है वह dx/ जो है वह 1 + x², इसका इंटीग्रेशन जो होता है वह tan इनवर्स x होता है + c, यही जो है वह इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है वह 45 नंबर भी है। 45 नंबर में जो है वह क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये हमारा गिवन i = है हमारा x² / ये 1 - x^6 dx है। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। तो सॉल्यूशन i = ये देखिए x² / ये 1 - x³² dx दे देंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं, पुट ये x³ = t, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा 3x² हो जाएगा और ये dt / ये dx, तो यहाँ से जो है वह हम देयर फोर 3x² dx के स्थान पे जो है वह dt लिख सकते हैं। तो अब देखिए i = ये देखिए ये जो है वह हमारा यहाँ पे x² ही सिर्फ दिया हुआ है, हम निकाले 3x² dx, तो यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3x² देखिए ये 1 - ये जो है वह x³² dx है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये i = ये 1/3, अब देखिए ये 3x² dx के स्थान पर dt दे देंगे बाय ये 1 - ये t², ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वह फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो इनका जो है वह फॉर्मूला हमारा होता है i = ये 1/3 है, इनका फॉर्मूला होता है 1/2a, एक स्थान पर 1 है और ये जो है वह log, ये हमारा होता है 1 + t / 1 - t + c, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है dx/ ये a² - x² का फॉर्मूला होता है 1/2a log a + x / ये a - x + c, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पर इनको हम डाल दिए हैं। अब देखिए ये i = ये 1/3 × 6 log ये 1 + t का स्थान पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा x³ / ये 1 - x³ + c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इनका। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन i = है हमारा 3x/ जो है वह ये 1 + ये 2x⁴ है, ये इतना दिया हुआ, ये हमारा क्या इतना है, तो ये 46 नंबर क्वेश्चन है, ये इतना है। अब देखिएगा आप लोग इनको कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो जो है वह सबसे पहले ये √2 इनसे बाहर कर लीजिए, तो i = ये हमारा ये 3 भी बाहर कर लिए, 3 बाहर कर लिए और ये ऊपर बच जाएगा x, यहाँ से 2 लेंगे तो ये 1/2 + ये x⁴ हो जाएगा और ये dx है, तो ये dx छोड़ दिए, dx हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बाहर हो जाएगा, ये i = हमारा फाइनल जो है वह 3/2 और ये x / ये 1/2 + ये x⁴
डी एक्स हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी आई इक्वल टू ये थ्री बाई टू, देखिए यहाँ पे वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में टू से, यानी कि जो है वन बाई टू से डिवाइड, नहीं टू से डिवाइड कर देते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन बाई टू ये इनको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ये डी एक्स, तो यहाँ से जो है हुआ ये टू एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा कितना डी टी। तो अब देखिए आई इक्वल टू थ्री बाय फोर और ये टू एक्स डी एक्स का स्थान पर डी टी बाय, ये जो है वह इनको हम क्या लिख सकते हैं वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर और ये टी, यानी ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया, ये आई इक्वल टू ये थ्री बाय फोर, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है ये, यानी कि ये यहाँ पे हम लिखते हैं ये डी टी बाय ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनका फॉर्मूला होता है वन बाय टू ए लॉग ए, यानी कि वन बाई टू ए लॉग ए माइनस एक्स बटे ये ए प्लस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला पर वन बाई टू ए का स्थान पर वन बाय रूट टू है और ये लॉग ए माइनस एक्स, तो ये वन बाय रूट टू माइनस टी बाई ये वन बाय रूट टू प्लस टी प्लस सी हो जाएगा। तो इनको जो है वो हम, यानी टी का वैल्यू हम यहाँ पर रख के और इनको जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे, 46 का जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो है वह, ये जो है वह, ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, ये वन बाई टू ए स्क्वायर प्लस इतना का फॉर्मूला ये नहीं होता है, बल्कि वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई एन होता है। तो आप लोग जो है वह फॉर्मूला जो है वह मैच कर लीजिएगा, तो ये हमारा ये नहीं होगा थ्री बाय फोर इंटू वन बाई ए, ये वन बाई ए का स्थान पर वन बाई रूट टू है और ये टेन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर टी बाई ये एक स्थान पर वन बाई रूट टू है प्लस सी। अब देखिए ये फाइनल हमारा आई इक्वल टू, ये देखिए ये जो है वह हमारा फाइनल आई इक्वल टू जो है वह क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा थ्री बाय टू रूट टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ये रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये देखिए रूट टू ऊपर गया है और टी का स्थान पर हम ये एक्स स्क्वायर वैल्यू दिए हैं और यहाँ पे जो है वह ये फोर्स जो है वह ये कट जाएगा, ये जो है वह रूट टू कट जाएगा टू रूट टू से, तो हमारा थ्री बाय फोर रूट टू ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ये फार्मूला ये नहीं बल्कि फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला जो होता है वह, ये जो है वह फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे जो है वह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो है वह फार्मूला जो है वह ये होता है। तो ये फार्मूला पर हम बैठा दिए, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 46 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।